हिंदुस्तान में कोबरा और कैरात की सबसे जहरीली प्रजाति यदि कहीं पाई जाती है तो वो है छत्तीसगढ़। चौंकिए मत, ये बिल्कुल सत्य है। छत्तीसगढ़ में एक इलाका ऐसा भी है जिसे नागलोक के नाम से जाना जाता है। सांपों की बेहद जहरीली प्रजातियों में से एक कोबरा के लिए कुख्यात इस इलाके की चर्चा दूर दूर तक की जाती है। इस इलाके में जाने के पहले ही लोग हिदायत देते हैं कि पूरी सावधानी रखो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दरअसल बात हो रही है जशपुर की। आदिवासी बहुल और जंगलों से घिरा जशपुर में प्राय हर इलाके में सांप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फरसाबहाड़ से लेकर तपकरा तक इलाका ऐसा है जिसे आज भी लोग नाग लोक से जानते हैं। यहाँ कॉमन कैरात, बैंडिट कैरात, नाग, वाइपर सहित विषैले सांपों की करीबन 6 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें कैरात और नागों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में बारिश में इन इलाकों में नंगे चलने का मतलब है मौत को दावत देना। बहरहाल यहाँ देश विदेश के पर्यावरण प्रेमी पहुँचते हैं और अब सरकारी स्तर पर यहाँ स्नेक पार्क भी बनाने की तैयारी चल रही है। सर्पदंश के बावजूद यहाँ के रहवासी सांपों से बैर नहीं रखते, शायद यही वजह है कि यहाँ इनकी प्रजातियों को पनपने का पूरा अवसर मिलता है। जंगलों से घिरा जशपुर का तपकरा इलाका आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण किंवदंतियों, पड़ी कथाओं और जादुई तिलस्म जैसी तमाम चीज़ों का बोलबाला है। तपकरा से ठीक बीचों बीच जंगल को चीरती हुई इव नदी बहती है। एक छोर पर प्राचीन महादेव का मंदिर है तो करीब दूसरी ओर पहाड़ पर करीबन 400 मीटर दूर गुफा का द्वार है, जिसे कोतेवीरा या कपाट द्वार या पाताल द्वार या पाताल गेट कहा जाता है। फिलहाल इस गुफा के गेट पर एक बड़ी सी चट्टान है जिसके कारण गुफा बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इस गुफा में गया वो आज तक नहीं लौटा। मंदिर के बारे में तमाम तरह की जातक कथाएं प्रचलित हैं। कोई इसे द्वापर युग से जोड़ता है तो कोई इसे त्रेता युग से जोड़ता है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि जशपुर का समूचा इलाका दंडकारण्य वन में पड़ता है। यहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा का राज चलता था। वो शिव भक्त थे। चिरई दांड नामक जगह पर वो महादेव की पूजा करती थी। वनवास के दौरान भगवान रामचंद्र सीता माता के साथ इव नदी के किनारे बने मंदिर में पूजा करते थे। पाताल द्वार से नागराज आकर तब उनकी रक्षा किया करते थे। रामचंद्र के जाने के बाद भी शिवलिंग के पास नाग पहरा देते रहते हैं। कई लोगों ने यहाँ तक बताया कि मंदिर में उन्होंने शिवलिंग के पास काले काले नागों को देखा है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है फरसाबहाड़ के नाग लोक के बारे में? इस जगह के बारे में जो पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है, क्या वो सच है? इस जगह को पड़ियों से भी जोड़कर देखा जाता है कि वे आज भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि कई लोगों ने उन्हें देखने का दावा भी कर रखा है। इस संबंध में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।